दुनिया में हर वक्त हर लम्हा हो रहा है कुछ न कुछ, कुछ अच्छा कुछ बुरा, लेकिन क्या सचमुच हर खबर जुड़ी है आपसे? ये बेमतलब के तमाशे, ये भूत प्रेत की कहानियाँ, सास बहू की चिक चिक, डराती धमकाती खबरें, पर वो खबर कहाँ? जिसमें झलकते हो आपके सवाल, जिसका सीधा असर हो आप पर, आपकी बातें, आपका हक, आपके सवाल, असली खबर, बेखौफ सच, बेबाक अंदाज। देश के प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री लगातार इसको लेकर आह्वान कर रहे हैं कि लॉकडाउन है, और ऐसे में हम और आप अपने अपने घरों से लॉकडाउन का पालन करते हुए आज इस पे कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो हमसे बात करने के लिए जदयू के नेता अरमान साहब मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपका डीबीएन न्यूज में स्वागत करता हूं। लॉकडाउन की अवधि में जहां एक तरफ कोरोना महामारी से लोग परेशान हैं, जूझ रहे हैं, इसकी आवश्यकता भी है। बिहार के मुख्यमंत्री ने भी माना है कि इस लॉकडाउन से महामारी, जो कोरोना महामारी है, उसका एक बेहतर उपाय है लॉकडाउन। लेकिन आप क्या मानते हैं कि इस लॉकडाउन के कारण देश का अर्थव्यवस्था, बिहार का अर्थव्यवस्था चरमरा गया है? देखिए, जहां तक बिहार के अर्थव्यवस्था जी, देश की अर्थव्यवस्था की जरूरत है जी। सबसे पहले जो जरूरत है लोगों को, सरकार का जो सबसे बढ़िया काम रहा है कि जो लॉकडाउन का जो मामला रहा, और सबसे पहले हमारे देश के 3 लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, और इस देश को, इस देश के जो 2 लोग हैं, अभी 2 तरह के लोग हैं, एक तो मेडिकल लाइन से जो डॉक्टर हैं और दूसरे पुलिस वाले, जो पुलिस मैंने आपसे पूछा, धन्यवाद देता हूं जी, मैंने आपसे पूछा था कि इस लॉकडाउन से जहां कोरोना महामारी के लिए एक बेहतर उपाय है, कोरोना महामारी से अगर बचना है तो आपको लॉकडाउन के नियम का पालन करना ही पड़ेगा। बिहार के मुख्यमंत्री भी लगातार इस बात का आह्वान कर रहे हैं कि कोरोना महामारी का बेहतर उपाय है लॉकडाउन, लेकिन देश का अर्थव्यवस्था, जो गरीब तबके के लोग हैं, क्या नहीं लग रहा है कि उनकी स्थिति बिल्कुल डमाडोल हो गई है? नहीं, डमाडोल तो बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन उसका रास्ता भी सरकार खोज रही है। सरकार से जो बन पा रहा है, जो हो रहा है जो वो कर रहे हैं। अब रहा मामला के कुछ लोगों के मिजाज में ये बात होती है कि सरकार का कुछ सरकारी सहायता राशि जो देने का काम कर रहे हैं सरकार, तो बहुत सारे लोग पूरे तौर पे निर्भर हो जा रहे हैं। लेकिन ये दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि सरकार ने जो राशन, फ्री राशन जो किया है, देने का काम किया है, और 1,000 रुपया जो दिया है, उसमें हमको लगता है कि लॉकडाउन को जो बढ़ाने का काम किया गया है, उसमें नहीं है। जो गरीब जनता है उसकी बात मैं बता रहा हूँ, जो बीच वाले लोग हैं, उसमें सरकार को चाहिए था कि बढ़ोतरी करना चाहिए। लॉकडाउन 1 महीना हो या लॉकडाउन 6 महीने का हो, मतलब उससे नहीं है। मतलब यह है कि सरकार भी जो लॉकडाउन कर रही है, उसको आम लोगों को समझना चाहिए। सरकार अपने लिए नहीं कर रही है, हर आदमी जिम्मेदार है अपने लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। बात समझने की है, अर्थव्यवस्था चरमरा गई, ये बात सही है कि अर्थव्यवस्था, आम लोगों की जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल निचले स्तर पे आ गई है, ये इससे कोई शक नहीं है। लेकिन सरकार का जो अपना रवैया है, वो सरकार का अपना रवैया अपने लिए नहीं है, ये आम लोगों को बचाने का काम, जो आम लोगों को बचने का जो रास्ता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, जो लॉकडाउन
का काम जो हो रहा है वो करना चाहिए। बात तो सही है बिहार के मुख्यमंत्री, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बिहार के मुख्यमंत्री लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जिसका राशन कार्ड नहीं है उसे भी अनाज दिया जाएगा और उसे सरकारी स्तर से 1,000 रुपया का जो प्रावधान है उसके लिए भी व्यवस्था किया गया है। खास करके आज हमारी बात हुई थी जो जीविका के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने आज फोन करके हमें इस बात की जानकारी दी कि अगर आपके नज़र में या आपके जो इर्द गिर्द में कोई ऐसे लोग हो जिनका राशन कार्ड नहीं है तो वैसे लोगों को भी चिन्हित किया जाए, उसे सरकार द्वारा 1,000 रुपया दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि सरकार आदेश तो लगातार दे रही है, हर आदमी की अपनी अपनी जिम्मेदारी है और खास तौर से इस मुद्दे पे नहीं, हम दूसरे मुद्दे पे और हम आपसे बात करना चाहेंगे और आपके चैनल के माध्यम से मैं चाह रहा हूँ कि जो भी प्रतिनिधि है चाहे वो विधायक हो एमपी हो सरकार का जो काम है वो कर रहे हैं। एमपी हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, मीडिया कर्मी आप हैं आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि कहीं गलत हो रहा है तो उसको उजागर करें। और मैं इस आपके माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से ऐसे वक्त में आपने मुझे याद किया कि लोगों की समस्या के बारे में, लॉकडाउन का क्या मामला है, लोगों की समस्या क्या है उसके बारे में, तो मैं आपके आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे वक्त में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। माध्यम से मैं उन 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 प्रतिनिधि को मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग वोट लेकर के चाहे वो विधायक हो एमपी हो या फिर मुखिया हो वार्ड मेंबर हो समिति हो, आपको फोन करके आपूर्ति पदाधिकारी या जिनको पदाधिकारी प्रखंड में बनाया गया है उन्होंने फोन किया, क्या आपको लगता नहीं है कि मुखिया सरपंच और जितने भी लोग हैं जो प्रतिनिधि हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो पार्टी के लोग हों जिस पार्टी के भी लोग हों उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे अगल बगल के लोग कौन लोग हैं जो भूखे हैं किनको सरकारी लाभ मिलना चाहिए, अपने व्हाट्सएप के माध्यम से अपने अगल बगल के माध्यम से पदाधिकारी को भेजें। ये सारे लोगों की जिम्मेदारी है, एक डीलर की जिम्मेदारी नहीं बनती है, एक सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है। जिन लोगों ने 5 साल 10 साल लोगों के वोट का लेकर के और उसको यूज किया है ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने पॉकेट पे भी ध्यान दे करके और कुछ पैसे को अपने तरफ से भी आम लोगों तक जो है कुछ रास्ता निकाल करके, ठीक है मानते हैं कि इस लॉकडाउन में सारे लोगों को परेशानी है तो सारी जिम्मेदारी सरकार नहीं पूरी कर सकती है, लेकिन प्रतिनिधि अगर हर लोग ये चाह लें, जिनके पास जो बिजनेसमैन है जिनका बिजनेस चल रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास जो नेता है प्रतिनिधि पार्टी स्तर से है उनके पास, उनको चाहिए था कि गरीबों की सहायता करनी चाहिए और जो होना चाहिए था वो पूरे तौर पर नहीं हो पा रहा है हमारे हिसाब से जो मेरी नजर में मैं देख रहा हूँ। चलिए अरमान साहब मैं आपसे माफी चाहूंगा, समय कम है, मैं आपसे एक बार अंतिम बार और अंतिम सवाल जानना चाहूंगा कि जिस तरह से कहा गया था कि जो जिला सेफ जोन में होंगे उसे राहत दी जाएगी, तो आज 19 तारीख है और कल 20 है, ऐसे में क्या कुछ लेकर के आने वाले हैं देश के प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री अपने बिहार के लिए? जहाँ तक उम्मीद थी मुझे के जो सरकारी काम है, जहाँ तक मुझे भी जानकारी मिली है ये सरकारी जो काम है वो कुछ जल नल योजना का मामला है जो गरीबों को उससे सहायता मिल सके, लोकल के जो गरीब लोग हैं वो काम कर सके उससे दो पैसा कमा सके। जी जी जी, ये सारे लोगों के लिए कुछ काम के लिए जो है निकाला गया है, मनरेगा का मामला है, उसमें कुछ ऐसा मामला थे जैसे कैरेज मिट्टी का मामला है उसमें मनरेगा अगर शुरू किया जाएगा जी। तो उसमें हर व्यक्ति जो मजदूर किस्म के लोग हैं वो तो कर लेंगे, ठीक है ये होना चाहिए, कुछ लोगों को तो फायदा उसका हो जाएगा ठीक है, लेकिन सरकार को उन लोगों के बारे में भी सोच। अब मामला आ गया कि किसी दूसरे इसमें जो है दूसरे के खाते में जाता है, तो अब इस बात को आप समझ लीजिए कि जिसके खाते में पेमेंट जाएगा कहीं ना कहीं तो सरकार की अपनी मंशा होती है और साफ होता है मंशा कि चलो काम अगर होगा विकास होगा तो उसी विकास के बहाने किसी गरीब लोगों का अपना रोजी रोटी चलना चाहिए। अब इसमें कुछ लोग मिल करके उस मामलात को ये समझ लीजिए कि गलत तरीके से अपने
ठेकेदारी करना शुरू कर दें तो ये गलत होगा। ये बिल्कुल सरासर गलत है। और अक्सर ये चीज जो निचले पदाधिकारी हैं, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं होगी कि बहुत सारे पदाधिकारी उस विभाग से जो जुड़े हुए हैं उनके अपने कमीशन का मामला है। आप ये कहेंगे कि, या जो भी मेरी बात को सुनेंगे उनको लगेगा कि सरकार में होते हुए इस तरह की बात बोल रहे हैं, तो मैंने बहुत नजदीक से देखा है, बहुत नजदीक से देखा है कि गलत करने वाले को भी मौका जब ही मिलता है जब उसके पदाधिकारी गलत करते हैं। पदाधिकारी प्रखंड में जो पदाधिकारी पीओ हैं, उसके जो इंजीनियर हैं, अगर वो ईमानदार हो जाएं, तो मैं 100% मैं बोल रहा हूँ कि जितने लोग आज भी और इस महामारी में बाहर में बाहर देश बाहर स्टेट में जाकर के काम कर रहे हैं, बिहार सरकार देने के लिए इतना तत्पर है कि लोग इस काम को छोड़ करके या बिचौलिए के माध्यम से ये कहिए कि पूरे तौर पे जो गरीबों को उसका हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से लोग बाहर जा रहे हैं। और आज बहुत लाखों लोग ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में। आज ये नौबत अगर आई है, निचले पदाधिकारी अगर सही हो जाए, तो मुझे लगता है कि जो मजदूरी बिहार के मजदूर यहाँ बाहर दूसरे स्टेट में करते हैं, अगर वो मेहनत अपने बिहार में करना शुरू कर दें, तो ये पैसा जो किराए के नाम पे, खाने के नाम पे, मोबाइल के नाम पे, किराए के नाम पे जो जाता है, वो बिहार में काम होगा और बिहार में सारा पैसा होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, चैनल पे आप बने रहे, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लग रहा है कि कल कुछ राहत की उम्मीद है। जी, सरकार से राहत मिलेगी और पूरी उम्मीद है कि सरकार जो गरीबों के लिए जो काम किया है, गरीबों के लिए जो कुछ खोलने का काम किया है। और एक चीज और लास्ट में मैं आपसे बोलता जा रहा हूँ कि ठीक है, राशन का जो देने का काम सरकार ने किया है बहुत अच्छा कदम है, राहत देनी चाहिए, लेकिन दो मुद्दे पे जो है और बात रह गई है, जो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाह रहा हूँ।